नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज का मेरा टॉपिक है, बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि बच्चा लिख नहीं पाता है, लिख पाता है तो बहुत स्लो स्लो लिखता है, और स्लो लिखने के साथ उसकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि वो लिख क्या रहा है। वो इतना धीमा और इतना लाइट लिखता है कि हमें उसके अक्षर पहचानने में, उसके वर्ड पहचानने में ही बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपके लिए आई हूँ इस प्रॉब्लम का एक अच्छा, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन। तो मैं आपको दो ऐसी एक्टिविटी बताऊंगी जिसमें एक्टिविटी रहेगी मेरी लाइट लिखते हैं उन्हें कैसे हम उन्हें डार्क लिखना सिखाएं, और सेकंड जो एक्टिविटी होगी मेरी बच्चों में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम कि वो फास्ट फास्ट लिखना स्टार्ट कर दे। तो मेरे वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ। बच्चा अगर लाइट लिखता हो तो ये होता क्या है कि बच्चों की जो पकड़ पेंसिल पे रहना चाहिए वो पकड़, वो बच्चे पेंसिल पे पकड़ नहीं बना पाते, उनकी पेंसिल पे ग्रिप अच्छी नहीं रहती है, इसी के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि बच्चों को कुछ इस प्रकार के ड्राइंग बना के दीजिए। आपको करना क्या है, इसमें बच्चों को बोलना है कि डॉट्स बनाओ, तो बच्चा मजबूती के साथ पकड़ के इस प्रकार से डॉट बनाएगा। ये देखिए, इससे क्या होगा, वो मजबूती से पेंसिल पकड़ेगा, पेंसिल पे उसकी ग्रिप अच्छी मजबूत होगी। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से डॉट बनाने लगाइए। ये तो मैंने बड़ा सर्कल लिया, फिर उसे छोटे सर्कल में बनाने लगाइए, तो इस प्रकार से वो कॉन्सेंट्रेट होके इस प्रकार से डॉट डॉट बनाएगा। और यकीन मानिए, आपने ये उसके साथ 20 दिन भी अगर ये वाली एक्टिविटी अगर उससे करवा ली तो उसकी जो इस प्रकार से जो लिखने की प्रॉब्लम है, ऐसे ये लाइट लिखने की प्रॉब्लम है, ये उसकी ऐसी डार्क लिख के वो आपको ज़रूर बताएगा। क्योंकि होता क्या है कि ये डॉट डॉट जब वो बना, डॉट डॉट वाली जब एक्टिविटी आप उससे करवाओगे तो पेंसिल को वो एक तो मजबूती के साथ पकड़ेगा, और मजबूती के साथ जब भी पकड़ेगा तो वो इस प्रकार से अगर डॉट बनाना है उसे, तो वो एकदम कॉन्सेंट्रेट होके सिर्फ और सिर्फ ग्रिप अच्छे से बनेगी। अगर ग्रिप अच्छे से बन गई तो वो आराम से अच्छे से इस प्रकार डार्क डार्क लिखना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक्टिविटी हो गई लाइट लिखने वाले बच्चों के लिए। और एक एक्टिविटी मैं लाई हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत स्लो लिखता है, तो स्लो लिखने का भी रीज़न एक रहता है, या तो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि अब हमें क्या लिखना है क्या लिखना है। तो जैसे कि मैंने अगर किसी बच्चे बुरा इस प्रकार से अगर मैंने उन्हें बोला कि आप लिखो जेब्रा, तो बच्चों से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पहले वो जेड बनाएंगे, फिर ई बनाएंगे, और फिर ये बी में तो बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज होते हैं कि हम बी ये वाला बनाएं या फिर ये वाला बनाएं। बी और डी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन की वजह से भी बच्चा स्लो लिखता है, सोच के यहाँ पर लिखेगा बी, फिर बनाएगा आर, फिर बनाएगा ए, तो इस प्रकार से वो सोचते सोचते ही सोचने में ही गवा देता है। तो ये प्रॉब्लम अभी तो छोटा है तो चल जाएगा, बट ये जब बड़ा होगा तब ये उसकी प्रॉब्लम बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जब भी वो एग्ज़ाम में बैठेगा तो आधी चीज़ें तो सोचने में लग जाएगा, एक तो सोच भी रहा है और ऊपर से स्लो भी लिख रहा है, तो भाई उसकी तो अगर उसको कुछ याद भी है तो वो नहीं लिख पाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको करना क्या है, बच्चों को कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना के दीजिए, इस प्रकार से और अब आपको उनसे बोलना है कि इस पे आपको करना है लाइन खींचना है इस प्रकार से। पहले वो धीरे 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 करेगा, और फिर अब उसे बोलना है कि अब इसमें आपको करना है फास्ट। तो इस प्रकार से अगर वो फास्ट करने लग गया, ये देखिए इस प्रकार से उसे फास्ट करने लगाइए। ये भी एक्टिविटी आपको दिन कंटिन्यू उससे करवाना है। तो इससे होगा क्या कि उसकी लिखने की जो स्पीड है वो हो जाएगी फास्ट। तो ये दो एक्टिविटी आप अपने बच्चों से ज़रूर करवाइएगा। ये डॉट वाली, अगर डॉट वाली करवाते हैं तो जो बच्चा आपका इस प्रकार से लिख रहा है जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो डॉट वाली एक्टिविटी करके वो पेंसिल पे अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा और ग्रिप उसकी अच्छी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वो इस प्रकार से पकड़ मजबूती के साथ डार्क डार्क लिखना स्टार्ट करेगा, डार्क लिखना चालू कर देगा। और इस प्रकार की एक्टिविटी से वो फास्ट फास्ट लिखना चालू करेगा।
तो ये दोनों ही एक्टिविटी बहुत ही बेस्ट है बच्चों के लिए, इम्प्रूवमेंट आता है और वो बहुत अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।